सम्मोहन एक फेसबुक पेज का, सम्मोहन फेसबुक पर लिखी कुछ बातों का, और सम्मोहन एक गुरु का। आज तक आपने फेसबुक को लेकर दीवानगी की कई कहानियां देखी और सुनी होंगी। रात दिन फेसबुक में डूबे रहने वाले लड़के लड़कियों को देखा होगा। लेकिन ये कहानी मुंबई की दो ऐसी बहनों की है जिन्होंने उस खास फेसबुक पेज के असर में आकर अपना घर बार छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया। वो कोई सामान्य फेसबुक पेज नहीं है, उस पर लिखी बातें आम लोगों की समझ के परे हैं। शिफू संस्कृति नाम के उस पेज को चलाने वाला खुद को दिमाग का डॉक्टर बताता है। उस फेसबुक पेज पर अश्लील तस्वीरों की भरमार है, लेकिन उसके 5000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। शिफू संस्कृति से जुड़े कई नौजवानों ने अपने घर वालों से कर दी है बगावत। पर उस फेसबुक पेज ने जब मुंबई के एक परिवार को तोड़ा तो मां बाप ने सीधे हाईकोर्ट से गुहार लगाई और शिफू संस्कृति के गुरु को लग गई हथकड़ी। बिल्कुल, मुंबई में मां बाप के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाली दो बहनें इन दिनों सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है। मां बाप उन्हें घर लाना चाहते हैं, लेकिन ये लड़कियां नहीं जाना चाहती। उनका कहना है कि वो गुरु की शरण में जा रही हैं। ये कहानी उसी शख्स की है जो बन चुका है फेसबुक का सम्मोहन गुरु। ऐसे ही मारते पीटते रहेंगे, ना ही हम इन्फ्लुएंस है, ना ही ब्रेन वॉश है। दो बहनों ने माँ बाप के खिलाफ की बगावत। दोनों बहनों ने माँ बाप पर लगाए संगीन आरोप। 5 महीने से दोनों घर से रह रही हैं बाहर और अब लगा रही हैं गुहार, हमें हमारे माँ बाप से बचाओ। काले कपड़े से मुंह ढककर मुंबई पुलिस जिस शख्स को थाने में ले जा रही है उसका नाम है सुनील कुलकर्णी, और ये उन्हीं दोनों बहनों का गुरु है जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है और अपने माँ बाप से बचाने के लिए अब हाईकोर्ट से गुहार लगा रही है। आखिर इन दोनों बहनों के आरोपों और सुनील कुलकर्णी की गिरफ्तारी में क्या रिश्ता है, इसे समझने से पहले आप इन दोनों बहनों की बातों को जरा गौर से सुनिए। प्रॉब्लम ये हुआ कि 18 दिसंबर को वो लोग ने हमको मार पीट कर बंद करके रखा घर में, हमारे कमरे में हमको मार पीट कर ये कन्फेस करने के लिए फोर्स किया गया कि हम ड्रग रैकेट में हैं, हम प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में हैं। हमारे पेरेंट्स जो भी एलिगेशंस लगा रहे हैं वो सब फॉल्स एलिगेशंस हैं। उनका एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और हमें जो कन्फाइन करके रखा था 6 दिन और हमें बहुत ब्रूटली मारा, और जो बचपन से ही होता जा रहा है उनकी रिलेशनशिप जो अब्यूजिव थी और जिसका इफेक्ट हम पे आता जा रहा है, वो सब हाइड करने के लिए, जब सब बाहर आया तो वो हाइड करने के लिए वो हम पे फेक एलिगेशंस लगा रहे हैं। वो हमें बोले जा रहे हैं कि हम ड्रग रैकेट में हैं, सेक्स रैकेट में हैं, जबकि हम बार बार ये बोल रहे हैं हम सेन आपके सामने खड़े हैं, ना ही हम इन्फ्लुएंस हैं, ना ही ब्रेन वॉश है। अपने माँ बाप पर आरोपों की बौछार कर रही इन दोनों में से बड़ी की उम्र 23 साल और छोटी की 21 साल है। दोनों बालिग हैं, लिहाजा कानूनन अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने और कुछ भी करने को आजाद हैं। लेकिन इनके माँ बाप ने आरोप लगाया है कि दोनों बेटियां सुनील कुलकर्णी के प्रभाव में आकर घर छोड़कर चली गईं और अब वो घर आने को तैयार नहीं है। माँ बाप ने पुलिस को दी एक शिकायत में एक बात का खास तौर पर जिक्र किया कि उनकी दोनों बेटियां शिफू संस्कृति नाम से बने एक फेसबुक पेज को फॉलो करती हैं और उसी के प्रभाव में आकर माँ बाप के खिलाफ बयान दे रही हैं। आरोपों के मुताबिक शिफू संस्कृति को चलाने वाला सुनील कुलकर्णी युवाओं को पहले अपने साथ जोड़ता है, फिर सम्मोहन से उनका ब्रेन वॉश करके उनका शोषण करता है। बालिक बेटियों को घर वापस लाने में जब पुलिस नाकाम हो गई तब माँ बाप ने बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगाई और पूरे मामले को समझने के बाद हाईकोर्ट ने सुनील कुलकर्णी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत का आदेश पाते ही पुलिस ने सुनील कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पहले मालाडपुर स्टेशन में एक मिसिंग की कंप्लेंट आई थी,
उसकी पूरी जांच मालालपुर स्टेशन से चल रही थी। इस बीच में ऑनरेबल कोर्ट के इंटरवेंशन से और आदेश से मालालपुर स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर किया है, जिसके खिलाफ ये आरोप लगाए गए थे उसको इसमें अरेस्ट किया है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी नौजवान लड़के या लड़की ने शिफु संस्कृति के प्रभाव में आकर घर बार छोड़ दिया हो और घर वालों के खिलाफ जंग छेड़ दी हो। ऐसे कई युवा अपने माता पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। मुंबई की ये दोनों बहनें भी ठीक वैसा ही कर रही हैं। इनके मुताबिक इन्हें इनके माँ बाप मारते पीटते थे और कमरे में बंद करके रखते थे। ऐसी हालत में सुनील कुलकर्णी ने उनकी मदद की और वो दोबारा अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती। हमारा जो रिलेशनशिप था वो ना ही कभी इमोशनल था ही नहीं, बिकॉज मॉम डैड की कभी जमती नहीं थी, तो मॉम डैड की हमारे से कभी जमती नहीं थी, तो एक जो रिलेशनशिप में खट्टापन आ जाता है वो आ गया था। घर पे कोई कम्युनिकेशन नहीं था। अगर मैं अपने फादर के साथ ही सेफ फील नहीं करती, अगर मेरे फादर ही मुझे जान से मारने की ट्राई करते, तो मैं कैसे रह सकती हूँ ऐसे माँ बाप के साथ। ये बातें सुनकर ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये लड़कियां सच कह रही हैं या लड़कियों के माँ बाप के आरोप सही हैं। फिलहाल पुलिस सुनील कुलकर्णी के पेज से जुड़े दूसरे लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। वो ऐसे दूसरे मामलों की तह में भी जा रही है जिनमें शिफु संस्कृति को फॉलो करने वालों ने घर वालों से मुंह मोड़ लिया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने तुरंत पुलिस को आदेश दिए कि इस मामले की जांच की जाए और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुंबई से कैमरामैन मानस के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जारी हमारी खास पेशकश फेसबुक वाला सम्मोहन गुरु। मुंबई की दो बहनों पर शिफु संस्कृति नाम के फेसबुक पेज ने जादू सा कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे फेसबुक वाले गुरु ने उन्हें सम्मोहित कर लिया हो। जानकारों का कहना है कि मुंबई की दो बहनों के दिलो दिमाग पर लंबे वक्त से धीरे धीरे जहर भरा जा रहा था और अब उस जहर का असर नजर आ रहा है। सुनील कुलकर्णी खुद के न्यूरोप्लास्ट सिटी सेंटर का चेयरमैन होने का दावा करता है। आप बोलचाल की भाषा में कहें तो वो दिमाग का डॉक्टर होने का दावा करता है, लेकिन ये डॉक्टर क्या क्या गुल खिलाता है ये उसके फेसबुक पेज पर देखा जा सकता है। शिफु संस्कृति नाम के इस फेसबुक पेज पर अश्लील तस्वीरों की भरमार है और हर तस्वीर के साथ कुछ अजीबो गरीब संदेश लिखे गए हैं। ऐसा ही एक संदेश है, ये शरीर का दिमाग से जुड़ाव है जो रीढ़ की हड्डी के जरिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से होता है। जब ये साथ मिल जाते हैं तो हम खुद को अच्छी तरह समझने लगते हैं। इसके लिए हमें पूरी तरह नग्न होना पड़ता है और अपने शरीर को देखना होता है। कुलकर्णी के ये दावे सुनकर बड़े से बड़ा मनोचिकित्सक भी चकरा जाएगा, क्योंकि उसकी बातें जानकारों की नजर में बेसिर पैर की बातें हैं। ड्रग्स आर वेरी गुड, और वो इस तरीके की बातें कर रहा था कि हमें हमारे बॉडी और माइंड को जोड़ना चाहिए। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं हमारे यंग जनरेशन के बच्चों को भटका रहा था। हाँ, और अगर ये सब चलता रहता तो हमारे ये बच्चे बिल्कुल साइकोटिक हो जाते, ब्रेकडाउन में आ जाते, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। शिफु संस्कृति के फेसबुक पेज पर एक और संदेश अजीबो गरीब है। इंसान, आत्मा और रहस्यों की बातें करने वाला यह शख्स दावा करता है कि मैं वो शख्स हूं जो तुम्हारे मन की गहराइयों तक जाकर तुम्हें बाहर निकाल लाएगा ताकि तुम प्रकृति के साथ जुड़ सको। ये अजीबो गरीब दावा ही आज सुनील कुलकर्णी के गले की फांस बन गया है। उसके खिलाफ आरोपों में यह भी कहा गया है कि अपने फेसबुक पेज के जरिए वो नौजवानों को बरगलाता है, उसके अश्लील संदेशों को पढ़कर नौजवान उसके साथ हो लेते हैं। इसके बाद वो लड़कियों को ड्रग्स का आदि बना देता है, लड़कियों को सम्मोहित करके उनका शोषण करता है, फिर उन्हें सेक्स रैकेट में धकेल देता है। मामला बहुत थोड़ा सेंसिटिव है क्योंकि लड़कियों बच्चे हैं उसके अंदर, तो उनका फ्यूचर का सवाल है। कुछ कार्रवाई करने के लिए बताया गया है, तो FIR रजिस्टर करने के लिए बोल दिया गया है पुलिस को, वो डायरेक्शन दे दिया गया है, जो इसके लिए हम कोर्ट तक आए थे कि जो गलत काम कर रहे हैं, जो
लैंगिक शोषण चल रहा है बच्चों का। एक तरफ लड़कियों के माँ बाप के सनसनीखेज आरोप हैं, तो दूसरी तरफ लड़कियों की सफाई। वो सुनील कुलकर्णी पर लगे सभी आरोपों को झूठा बता रही हैं। कहने पे आप ये सब कर रहे हो? नहीं, उनके कहने पे तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, बिकॉज आई एम अ सेन पर्सन। मुझे पता है मेरे माँ बाप ने क्या किया है, मुझे पता है उन्होंने मुझे मारा है, मुझे अपने पर्सनल राइट्स पता है। यहाँ आज हमको फ्रीली जीने नहीं दे रहे। जब ये सब कर रहे हैं तो हमने डिसाइड किया कि ये लोग मानने ही नहीं वाले और समझ ही नहीं पाएंगे कि कभी हम भी ह्यूमंस हैं। 24 आवर्स कोई किसी के इन्फ्लुएंस में रह ही कैसे सकता है। और हमने खुद जाके मलाड पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया है, खुद जाके महिला आयोग को अप्रोच किया है, डीसीपी एसीपी कमिश्नर, खुद जाके कोर्ट में खुद जाके खड़े रहे। घर वालों के मुताबिक उन्होंने जब बच्चों के बर्ताव में बदलाव देखा तो उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। तब पता चला कि वो शिफु संस्कृति के प्रभाव में है, और जब उन्होंने सुनील कुलकर्णी से दूर रखने के लिए लड़कियों पर सख्ती की तो उन्होंने परिवार के खिलाफ ही झंडा बुलंद कर दिया। एक तरफ दो बालिक लड़कियां घर जाने को तैयार नहीं हैं, तो दूसरी तरफ माँ बाप उन्हें घर ले जाने के लिए पुलिस से लेकर कोर्ट तक के चक्कर लगा रखे हैं। और इसी बीच वो शख्स भी गिरफ्तार हो गया जिसकी वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। न्यूज 18 इंडिया ने मामले की तह तक जाने के लिए सुनील कुलकर्णी के फेसबुक पेज को खंगाला तो उसमें चौंकाने वाली जानकारियां दिखी। अपने शरीर के सारे कपड़े उतार दो, फिर अपने शरीर को देखो, इससे तुम खुद के और करीब आओगे, फिर उसके बाद तुम भावनात्मक रूप से भी खुद से जुड़ जाओगे। ऐसी ही बातें सुनकर मुंबई की दो बहनें शिफु संस्कृति की मुरीद हो गईं। इन बातों का लड़कियों पर सम्मोहन जैसा असर हुआ। इतने साल माँ बाप के साथ गुजारने वाली दोनों बहनों को अपना परिवार सबसे खराब लगने लगा। गिरफ्तारी से पहले एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सुनील कुलकर्णी ने दावा किया कि शिफु संस्कृति के जरिए वो लोगों को तनाव मुक्त करता है। उसके मुताबिक सिर्फ लड़कियां ही नहीं, सिर्फ नौजवान ही नहीं, बल्कि हर उम्र के लोग उसे फेसबुक पर फॉलो करते हैं। सुनील के मुताबिक 9 महीने पहले उसका फेसबुक पेज अचानक सुर्खियों में आ गया, फिर उसे पूरी दुनिया से ईमेल मिलने लगे। तनावग्रस्त लोग अपनी समस्याएं लिखकर भेजने लगे, यहां तक कि कुछ मनोचिकित्सक भी उससे सलाह मांगने लगे। जो शिफु संस्कृति है, जो बहुत मतलब समाज को भ्रष्ट करने वाली संस्कृति है और एकदम मतलब गंदी बातें जो उसके बारे में है और बच्चों को और नई पीढ़ी को उसकी ओर दर्शा रही है गलत बातें। सुनील कुलकर्णी के फेसबुक पेज पर लिखा है कि वो शरीर और दिमाग के कनेक्शन को बेहतर तरीके से समझता है, इसलिए उसकी बातें लोगों को खींचती हैं। इस इंटरव्यू में सुनील कुलकर्णी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को भी खारिज कर दिया। उसके मुताबिक मुंबई की दोनों बहनों के माँ बाप उन्हें टॉर्चर करते थे और उसने लड़कियों की सिर्फ मदद की है। ये ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, पहली बात तो ये एक सिर्फ फेसबुक पेज है एंड ये फेसबुक पेज पे वो अपने थॉट्स लिखते हैं एंड जिनको फॉलो करना है फॉलो कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है वो नहीं करेंगे। तो ये कोई कैंपेन नहीं है, कोई कल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या इससे पहले भी ऐसा कोई मामला आया था? आखिर कब से सुनील कुलकर्णी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बरगलाने में जुटा है? बताया जा रहा है कि सुनील कुलकर्णी ने शिफु संस्कृति को 12 साल पहले बनाया था। वो दावा करता है कि शिफु संस्कृति कोई संगठन नहीं है, बल्कि ये उसका आध्यात्मिक नाम है। सुनील कुलकर्णी के मुताबिक शिफु का मतलब गुरु होता है। 12 साल से सुनील कुलकर्णी बेरोक टोक लोगों को आध्यात्म के बेतुके पाठ पढ़ाता रहा, लेकिन अब ये गुरु सलाखों के पीछे है। कोर्ट ने उसे 28 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जब पुलिस ने उसके ठिकाने की तलाशी ली तो पेन ड्राइव में कई अश्लील वीडियो क्लिप्स और तस्वीरें मिली। जानकारों का मानना है कि डॉक्टर सुनील कुलकर्णी खुद मानसिक रोगी है और युवाओं को बरगलाने के लिए वो सम्मोहन जैसी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। इस तरह का कोई साइकियाट्रिस्ट मैंने नाम सुना नहीं है। हाँ, तो ये कोई होक्स है, ये चीट है। हाँ, ये इसके पास थोड़ा सा मेस्मेरिज्म या हिप्नोटिज्म की कला आ गई है जो नेगेटिव यूज कर रहा है। हो सकता है वो इन बच्चों को पोर्नोग्राफिक चीजें भी दिखाता होगा।
हाँ हो सकता है कि इन लोगों को मास सेक्सुअल एक्टिविटी भी करवाता होगा। डॉक्टरों का मानना है कि मुंबई की दोनों बहनें जिस तरीके से माँ बाप के खिलाफ बोल रही हैं, उससे साफ होता है कि लंबे वक्त से उनके दिमाग में जहर भरा जा रहा था। ये काम इतनी सफाई से किया गया है कि लड़कियों को एहसास तक नहीं हुआ कि कैसे उन्हें बहकाया गया। तो हमारे पेज पे 5000 से ज्यादा लोग हैं, 5000 से ज्यादा कोई लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो हमको रोज मैसेज करते हैं, रोज मैसेजेस आते हैं, रोज उनसे बातें होती है या वर्कशॉप्स होते हैं। तो नॉट ओनली गर्ल्स, नॉट ओनली बॉयज, मिडिल एज के, इनफैक्ट हमारे पास जो मेरी नानी है, मेरी मॉम है, मेरी मासी है, उनके अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है वो भी शिफू संकेति के पेज पर अभी भी है। कभी कभी इस तरीके के जो कल्ट वाले लोग हैं, तो मैं यही कहूंगा कि ये भी एक पेडलरी है जो अलग किस्म के ड्रग्स बेचने की कोशिश कर रहा था। हाँ, और वो अपनी फॉलोइंग, वो अपने आप को कुछ गॉड मैन बनने की कोशिश कर रहा था। अब तक की छानबीन में पता चला है कि सुनील कुलकर्णी बेहद शातिर तरीके से काम करता था। वो उन लड़कियों को निशाना बनाता था जो अकेलापन महसूस कर रही हैं, यानी जिनके माँ बाप या तो अलग रहते हैं या फिर उनमें झगड़े होते रहते हैं। जिन लड़कियों के माँ बाप दोनों कामकाजी हैं, वो भी सुनील के निशाने पर होती थीं। ऐसे लोगों को पहचान कर उन्हें अपने प्रभाव में लाना सुनील कुलकर्णी को बखूबी आता था। माँ बाप का दावा है कि उसी के प्रभाव में आकर दोनों बहनों ने दिसंबर 2016 में अपना घर छोड़ दिया था और तब से वो मलाड के एक मकान में बतौर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती हैं। जानकारों का मानना है कि ऐसे मामलों में आरोपी उन बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं जो अपने आप को दुनिया में बेहद अकेला समझते हैं। माता पिता अपने कामों में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि जो समय उन्हें बच्चों को देना चाहिए वो समय बच्चों को नहीं दे पाते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर्स भी मानते हैं कि ऐसे मामलों से बचने के लिए माता पिता को अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय देने की जरूरत है। लड़कियों का दावा है कि उनका खर्च दोस्त उठा रहे हैं, हालांकि उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि उन्हें सुनील कुलकर्णी से भी आर्थिक मदद मिलती है। यहां एक बात गौर करने वाली है कि सुनील कुलकर्णी खुद को डॉक्टर जरूर कहता है, लेकिन वो कोई क्लिनिक नहीं चलाता। इसके बावजूद उसका दावा है कि वो हर साल 75 लाख रुपए कमाता है और सरकार को बाकायदा टैक्स भी देता है। तो सवाल उठता है कि इस शातिर शख्स की कमाई कहां से हो रही है। सुनील का दावा है कि वो मैनेजमेंट कॉलेज में जाकर लेक्चर देता है, जिसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। वो तनाव मुक्त करने के लिए किसी को दवा नहीं लिखता, बल्कि उसे सही रास्ता दिखाता है और उनकी परेशानियों को दूर करता है। अब कुलकर्णी चाहे जो दावे करे, फिलहाल तो अपनी करतूतों की वजह से वो पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। पुलिस उसके खिलाफ दर्ज पुराने मामलों की भी पड़ताल में जुट गई है। उसके खिलाफ दिल्ली में रेप का केस दर्ज है। इसके अलावा धोखेबाजी का भी एक केस चल रहा है। तो ऐसे फर्जीवाड़ों से चौकन्ने रहने की जरूरत है जो आप ही के लिए मुश्किलें पैदा ना करें।